हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में बीजेपी समर्थित नीलम कुमारी जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए टॉनिक का काम कर रही है। ये उम्मीदवार इस राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों का परिणाम बता रहे हैं। यही नहीं, इन चुनाव परिणामों में गदगद ये प्रत्याशी इन्हीं परिणामों को जिला परिषद चुनावों में भी दोहराने का दावा कर रहे हैं। नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस के बुरी तरह पराजित होने को इन उम्मीदवारों ने जनता द्वारा कांग्रेस को षड्यंत्रकारी चेहरा बेनकाब करना बताया। इसके बाद अब ये उम्मीदवार दोगुने उत्साह से जनता के बीच घर द्वार दस्तक से वोट अपील कर रहे हैं। इनकी माने तो प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों से खुश है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नीलम कुमारी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी माने तो इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत का पता चल चुका है। लोगों ने विकास को देखते हुए वोटिंग की है और प्रदेश और केंद्र सरकार के नीतियों पर मोहर लगाई है। जनता जान चुकी है कि प्रदेश में विकास कौन करवा रहा है। जयराम सरकार द्वारा इन 3 सालों में करवाए गए विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। जैसे कि जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है बीजेपी पार्टी को, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे ये शहरी निकायों के, तो हम भी जनता से यही उम्मीद करेंगे कि वो हमें भी इसी तरह से जिताएंगे। जीत का कारण ये है कि जैसे कि हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी ने विकास कार्य करवाए हैं, हमारे माननीय श्री मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छे कार्य करवाए थे, इसलिए ये अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आपको लगता है कि जो ये चुनाव परिणाम आए हैं इसका जो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? जी हाँ, ये भी हम मानते हैं अच्छा रिजल्ट आएगा, हम जनता से यही उम्मीद करते हैं जी। तो इसके लिए आवा जो आप जो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रही है? विकास करने के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जी। तो ये जीत मिली है तो किसको आप श्रेय देंगे इस जीत का? इस जीत का हम अपनी भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देंगे और जनता को जिन्होंने इतना सहयोग किया है उनका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो इसमें जो स्थानीय जो नेतागण हैं, जो सतपाल सत्ती हैं, हाँ जी, और चाहे राम कुमार हैं, तो उनका योगदान भी आप हाँ कितना मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा। हमारे श्रीमानी सतपाल सत्ती बाजी जी ने बहुत ही मेहनत की है और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। वो तो हर समय जनता हाँ की सेवा के लिए हर समय जनता की सेवा करते हैं, तो अपना कीमती टाइम जनता को देते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी को हमारी जनता ने ही दे दिया कि जैसे कि वो कह रहे थे कि भाजपा का हम सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन जनता ने कांग्रेस पार्टी का ही सुपड़ा साफ कर दिया और जनता ने बता दिया कि जो विकास कार्य करवा रहे हैं उन्हीं को उन्होंने जिताया है, इसलिए हम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।